हेलो, हाय। देखो, ये आज ना कैसे हो? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? और सब लोग भगवान की कृपा से अच्छे ही होंगे। आज देखो, ये मेरा मम्मी का कुछ जाने का प्रोग्राम है गांव। वो लगता है आज तो नहीं, कल जाएंगी। और ये है, मैं छत पे, मैं मम्मी घूम रही हैं, मैं भी मम्मी के साथ घूम रही हूँ। और मम्मी को मैं ये दिखा रही हूँ, मैंने देखो छत का, सुबह सुबह का ना बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह बादल हो रहे हैं, लेकिन मौसम अच्छा हो रहा था। सुबह सुबह बारिश नहीं हो रही है, मुझे देखो नींद भी आ रही है। अवॉइड करना थोड़ा इसको। और पीछे का व्यू देखो, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत मतलब ग्रीन ग्रीन पौधे दिखते हैं ना अभी बारिश के टाइम पर, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं देखो, वो छत के 5वें मंजिल पर, 4थी मंजिल पर तो मैं रहती हूँ। हेलो, हम तैयार होके चले मंदिर, शीतला माता मंदिर। और कैसी हो गाइस? मेरी वीडियो को देखा करो, लाइक सब्सक्राइब किया करो। और ये देखो, हम माता रानी के मंदिर आ गए हैं। और ये माता रानी का, शीतला माता का मंदिर है, ये गुड़गांव में है। और मैं भी यहाँ पास में ही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं हूँ। और मंदिर के मतलब हमारा 6-7 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से। मैं दिल्ली के इधर हूँ और ये गुड़गांव में है, मतलब बॉर्डर पर हैं हम लोग। और ये देखो, मम्मी पीछे रह गई, मैं मम्मी के लिए रुक गई थी, पापा आगे आगे चल रहे थे। और मेरे हस्बैंड हैं साथ में, और मेरी बेटी भी है, बेटी आगे आगे चल रही है। मैं उसको बोल भी रही थी कि लाडो इधर पीछे चलो, तो देखो अभी देखेगी, थोड़ा सा देखेगी मेरी लाडो। और ये पापा, सब लोग साथ में आ गए। और ये है माता रानी, मैं माता रानी से मनोकामना करती हूँ, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सबको सुरक्षित रखें। सभी मेरी वीडियो को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। और सबकी रक्षा करती हैं माता रानी। यहाँ थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है, और मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ, पता नहीं क्या बोल रही थी। और ये मेरी बेटी आ गई, इसके डैडी चल रहे हैं साथ में, और मैं मम्मी पापा पीछे आ रहे हैं, तो उनके साथ साथ चल रही हूँ। और गर्मी तो खैर, बारिश होने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। ये मंदिर में आ गए, देखो माता रानी के साथ आप सब लोग दर्शन कर लीजिए, और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी माता रानी। और ये मम्मी भी है, मैं सब लोग, मतलब उस टाइम जिस दिन हम उस दिन गए थे ना, उस दिन मंदिर में ना बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। क्योंकि अक्सर मैं कई बार गई हूँ तो बहुत भीड़ मिलती है, रुकने नहीं देते मंदिर में। और आज जिस दिन हम मम्मी पापा को लेके गए हैं, उस दिन बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। फ़ोटो वोटो भी क्लिक किया था हमने, मतलब मंदिर के अंदर कोई कुछ बोल भी नहीं रहा था। ये देखो, बाहर निकल के आ गए हम, मेरी बेटी, टीका वीका लगवाया मंदिर में हमने। और यहाँ बाहर निकलने के बाद ये गाड़ी वाले भैया हैं, उनको फ़ोन कर रहे थे। और यहाँ हमको ये पूछ रहे थे कि क्या आपको कुछ लेना है। ये देखो, मेरा कितना सिंदूर बहरा गया है, टीका भी बह गया, इतना पसीना आ रहा था मुझे, ऐसा लग रहा जैसे बारिश में भीग गई हूँ क्या। और ये बोले, क्या कुछ लेना है? मैंने कहा हाँ, सिंदूर लेना है, और तो कुछ नहीं, ज़्यादा बस। और यहाँ वेट कर रहे हैं, और मैंने सिंदूर लिया था, सिंदूर लेने के बाद और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिया था मंदिर से। और हम फिर चल दिए थे घर के लिए, वापस आ गए थे। और ये देखो, और अंदर बैठने के बाद थोड़ा गाड़ी में एसी चलाते, थोड़ा शांति मिली मुझे। बहुत पसीना भी मुझे बहुत आता है, पता नहीं मेरा बीपी हाई रहता है किस लिए। और मैं देखो इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। माता रानी सबकी कृपा, सब पर कृपा रखे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सबको सुरक्षित रखे। मैं माता रानी से यही प्रे करती हूँ। और मम्मी पापा सब लोग, हम लोग आ गए हैं घर, और ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ।